तो यहाँ पे मैं आपको ना स्लिक का ये थ्रेडिंग जो टूल है उसका यूज़ करना बताऊंगी। तो इसमें ना धागा जो दिया जाता है मैं उसको भी रिमूव कर लेती हूँ, क्योंकि जो इसमें धागा पहले से लग कर आया था मुझे लगता नहीं था कि वो उतना हाइजीनिक होगा, तो इसीलिए मैंने धागे को रिमूव किया है, इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया है। और उसके बाद इसको यूज़ करने से पहले मैंने अपने जो आईब्रो की जो भी अनवांटेड हेयर ग्रोथ थी उस पर पहले मैंने पाउडर लगाया है, एंड देन इसको मैंने इस तरीके से इस्तेमाल किया है। तो ये जो कैंची वाला पार्ट होता है, जो एक्स बना हुआ रहता है, उसी पार्ट में आपको अपने हेयर्स फंसाने होते हैं, और फिर इस जो टूल है इसको हमें दबाना होता है। तो ये बिल्कुल कैंची टाइप का होता है इसका शेप, और इसको इसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना रहता है। तो सच्ची बताओ तो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, जिनके अपर लिप्स वाले हेयर होते हैं वो भी घर पे आसानी से रिमूव कर सकते हैं, तो यह मुझे अच्छा लगा ये।